they have to pump the blood under, or you can say with high pressure, okay, with high pressure or with high pressure, okay. So they have to pump the blood with high pressure. एंड ये एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज ये और थिकर हो जाती है, ओके. सो दे बिकम मोर थिकर व्हेन ब्लड इज पम्प्ड विथ हाई प्रेशर. ओके, ये भी पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा था प्रोसेस केस में भी देखा था और बेसिक केस में भी देखा था, राइट. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था. ओके, सो ये था वेंट्रिकल्स के बारे में. अब एक पार्टीशन था, राइट, एक पार्टीशन के बारे में बताया गया हमको. ओके, वो पार्टीशन क्या था? सेप्टम था. ओके, पार्टीशन क्या था? सेप्टम था. अब ये सेप्टम करता क्या है? सेप्टम क्या करता है? सेपरेट्स व्हाट? चेंबर ऑफ द हार्ट. ओके, सेपरेट्स चेंबर्स. ओके, सो ये था बेसिक से पॉइंट. अब चेंबर्स के बारे में भी हमने देखा था. ओके, अब देखिए यहां पर चेंबर्स. ओके, ये चेंबर्स हैं. अब कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं. ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज यहाँ पर 4 चेंबर्स लिख सकते हो, राइट. 4 चेंबर्स लिख लिया, उसके बाद इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना. अपर चेंबर्स एंड लोअर चेंबर्स. ओके, अब अपर चेंबर में क्या हो रहा है और लोअर चेंबर में क्या है, ये सब देखते हैं. अब अपर चेंबर में दो चीजें, दैट इज राइट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, और यहां पर क्या है? यहां पर है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इस तरीके से हमारे जो बेसिक पॉइंट था, अगर ये हम राइटअप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं, तो और टाइम लगता. बट यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर सिंपली फ्लो चार्ट के थ्रू सारे बेसिक पॉइंट क्लियर कर दिए. अब कैसे क्लियर होते हैं, देखिए. कैविटी प्रेजेंट है. किस कैविटी में प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है. उसका साइज क्या है? इक्वल टू अ फीस्ट है. आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम का फंक्शन कैसे लिखोगे? प्रोटेक्ट द हार्ट. ओके, उसके बाद वेंट्रिकल के बारे में लिखा हमने. वेंट्रिकल के बारे में क्या लिखा? हैव थिकर वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स. ओके, इनके बारे में देखा हमने कि वेंट्रिकल के बारे में तीन पॉइंट देखे कि इनके थिकर वॉल्स है. ओके, इनके थिकर वॉल्स क्यों है और उनका फंक्शन क्या है. ओके, मतलब ये फंक्शन इन सेंस व्हाट, ये पंप करती ब्लड को, और ये जो वॉल्स है ये और थिक कब हो जाती है जब ये ब्लड को पंप करती है. अभी ये डिस्कस करते हैं. देखिए, उनकी थिकर वॉल्स हैं, ओके, जिनको हम वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स बोलते हैं. ओके, उसके बाद उनकी थिकर वॉल्स क्यों है? बिकॉज दे हैव टू पंप विथ हाई प्रेशर. ओके, व्हाट? ब्लड. दे हैव टू पंप ब्लड विथ हाई प्रेशर. ओके, सो दे हैव टू पंप द ब्लड विथ हाई प्रेशर. उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है विथ हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है टू अदर पार्ट्स. ओके, यू कैन से टू अदर पार्ट्स. ओके, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स. अभी और भी थिक हो जाती है जब इनमें से ब्लड पंप किया जाता है. ओके, हाई प्रेशर में. ओके, ये हाई प्रेशर है, एचपी जो है ये हाई प्रेशर है. सो जब ब्लड हाई प्रेशर में पंप किया जाता है, ये और भी थिक हो जाती है, राइट. सो ये वेंट्रिकल्स के बारे में था. अब एक पार्टीशन होता है हार्ट में, सेप्टम. ओके, सेप्टम के बारे में हमने देखा था. अब सेप्टम करता क्या है? सेपरेट्स द चेंबर्स. ओके, सेपरेट्स चेंबर्स. ओके, मतलब ये चेंबर्स जो है इनको सेपरेट करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट. उसके बाद 4 चेंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट. अब इसको भी हमने बेसिकली और सिंपली एकदम इजी तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया.
ओके पहले इसमें इसको किस तरीके से लिखा था, दैट इज देयर आर फोर चेम्बर्स राइट. अब इसको लिखने में टाइम जाएगा. फिर देयर आर अपर चेम्बर, ओके देयर आर अपर चेम्बर एंड देन लोअर चेम्बर. अब अपर चेम्बर में क्या है, राइट एंड लेफ्ट आट्रियम, एंड लोअर चेम्बर में क्या, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इसको लिखने में भी वर्ड टू वर्ड टाइम जाता राइट. इसको लिखने में भी क्या होता है, वर्ड टू वर्ड टाइम जाता है. सो इसका बेसिक सा बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम सेविंग राइट. यहाँ पर क्या मतलब है, टाइम सेविंग. आपका टाइम सेव होना चाहिए जिससे जिससे क्या होगा, जो प्रोसेस है जैसे यहाँ पर देखिए बेसिक जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट है ओके. बट जो प्रोसेसेस है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है राइट. मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट लेवल जो इम्पोर्टेंस का वो प्रोसेसेस का ज्यादा है ओके. मतलब प्रोसेसेस हमें बताते क्या है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता कैसे और ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता कैसे. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो ये भी इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है. सो इसको कैसे इंक्लूड करें जिससे हमको उसके लिए टाइम मिले, जो प्रोसेसेस है उसको लिखने के लिए टाइम मिले. सो इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, जो पॉइंट्स है उसको डिलीवर कर सकते हो. जो पॉइंट्स है उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है राइट. सो आप देखो जैसे कि मैंने राइटर के थ्रू आपको लिख के दिखाया, तो उसके लिए भी वर्ड टू वर्ड लिखने के लिए टाइम जाता. सो यहाँ पर कैसे फोर चेम्बर्स को कैसे लिख सकते हो, अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर्स ओके. अपर चेम्बर्स में क्या है, राइट आट्रियम एंड लेफ्ट आट्रियम. लोअर चेम्बर्स में क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हमने फ्लो चार्ट बना लिया, तो इसके थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं एकदम क्विकली कि बेसिक्स के इसमें हमने क्या पढ़ा था राइट. सो देखिए इसके थ्रू आपको एकदम इजीली एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ऑफ बेसिक पॉइंट इन ह्यूमन हार्ट ओके. बेसिक पॉइंट्स इन ह्यूमन हार्ट मतलब जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं ह्यूमन हार्ट में वो क्या कहना चाहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें ये जो फ्लो चार्ट है इसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, इक्वल टू फीस्ट है ओके. उसके आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट दी हार्ट ओके. उसके वेंट्रिकल का बारे में बताया गया है, वेंट्रिकल की वॉल्स कैसी है, थिक है, उसको हम वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल्स बोलते हैं. इसकी वॉल थिक क्यों है, बिकॉज दे हैव टू पंप दी ब्लड विद हाई प्रेशर टू अदर पार्ट्स ओके. उसके बाद दे बिकम मोर थिकर व्हेन ब्लड इज पम्प्ड विद हाई प्रेशर, मतलब जब ब्लड को पंप किया जाता है हाई प्रेशर के साथ तब ये और भी थिक हो जाती है. उसके बाद पार्टीशन ओके. पार्टीशन क्या है, सेप्टम है ओके. सेप्टम क्या करता है, चेम्बर्स को सेपरेट करता है ओके. उसके बाद देर आर फोर चेम्बर्स ओके, दैट इज अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर. अब अपर चेम्बर्स में क्या है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. उसके बाद लोअर चेम्बर में क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बेसिकली इसका बताने का मतलब क्या है, टाइम सेविंग. मतलब आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आप वर्ड टू वर्ड नॉर्मल चीजों को मत लीजिए. मतलब बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके तरफ ज्यादा ध्यान दें, और जो मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर कि बेसिक्स भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक को इंक्लूड करना भी इम्पोर्टेंट है, बट मोर इम्पोर्टेंट इज पूरी प्रोसेस को लिखना ओके. सो उधर टाइम मिले और यहाँ पर टाइम ज्यादा ना जाए, इसलिए इस तरीके से. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो जिनको आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, जहां पर आपका टाइम सेव हो सकता है राइट. तो इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन आर्ट का बेसिक फ्लो चार्ट का जो टॉपिक था यहाँ पर कवर होता है.